सरगुजा में छत्तीसगढ़ लिपिक वर्ग के शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने एक सूत्री वेतन विसंगति की मांग की है। संघ संरक्षक कौशलेंद्र पांडे ने बताया कि 17 फरवरी को प्रदेश भर के खिलाफ राजधानी रायपुर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार लिपिक की मांगे पूरी नहीं करती है तो संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को लेकर विचार करेगी। वेतन विसंगति के मुद्दे को लेके एक सूत्री मांग जो है हमारी, उसी को लेके आज प्रथम चरण के आंदोलन में पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव जी के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का कार्य अभी संपन्न हुआ और आने वाले 17 फरवरी को राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश के लिपिक एकत्रित होंगे और वहाँ धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री जी के भवन का घेराव किया जाएगा। ये हमारे दूसरे चरण का आंदोलन है और इसके बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती, कोई निर्णय नहीं लेती तो आगे फिर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए वहां पे निर्णय करेंगे।